हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मैं, मम्मी, मोहित तीनों जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना था मार्केट से। तो अभी दिखाते हो आपको हम क्या लेके आते हैं मार्केट से। और गाइस, यहाँ पे क्या है कि ठंड तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ना बराबर ठंड है। मैंने भी छोटा बहुत हल्का सा वॉर्म स्वेटर डाला हुआ है और धूप निकल जाती है, इस वजह से इधर ठंड नहीं है। और आज तो कुछ बादल भी हो रखे हैं यहाँ पे, हो सकता है इस वजह से भी ना हो ठंड। तो अभी जाते हैं मार्केट, सब्जी वगैरह भी लेनी है हमें मार्केट से। तो गाइस, ये देखो हम आए हैं इधर थान का कपड़ा लेने, और ये इधर मम्मी और मोहित बैठे हुए हैं। और गाइस, मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैं बाद में आपको पहनूंगी, तब दिखाऊंगी क्या लिया है मैंने। एक हमने ब्लैंकेट का कवर लिया है। देखो, ये मोहित सिंह है। ये इधर हम इधर डिस्पोजेबल का कुछ सामान लेने आए थे, और ये चमचा खरीद लिया, एक चाकू खरीद लिया हमने। गाइस, ये देखो, हम यहाँ से चाकू लिया था हमने, एक चमचा लिया था। दिखा देती हूँ आपको, इधर सारी पूरी दुकान है। तो देखो गाइस, जैसे गाइस देखो, हम बर्तन की दुकान पे आ गए हैं बिल्कुल। और इधर से हमने एक चाकू और एक चमचा लिया है। गाइस, इधर का सामान तो हमने ले लिया है, और अब मम्मी कुछ डिस्पोजेबल सामान ले रही है। तो मम्मी बैठी हैं दुकान में। और गाइस, आज फिर मैंने एक साड़ी खरीद ली है, और मुझे मम्मी ने, मतलब मम्मी मुझे ज़बरदस्ती दिला देती है। मम्मी तो और भी मुझे दिला रही थी, पर फिर मैंने ली नहीं। तो एक साड़ी मैंने ले ली है, वो आपको मैं जब पहनूंगी तब देखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। अभी सामान हमने ले लिया है, और ये देखो मम्मी इधर मेरी शॉपिंग करवाती रहती है मम्मी कुछ ना कुछ। अभी मम्मी के पास भी सामान है। अभी आपको दिखाती हूँ बैरोड की मार्केट। हम चल रहे हैं रोडों पे, घूम रहे हैं। गाड़ी बहुत पीछे लगा दी थी क्योंकि इधर मार्केट में पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है। तो फिर मोहित अपने दोस्त के यहाँ गाड़ी खड़ी करके आ गए थे। और गाइस, कल मम्मी तो क्लिनिक पे जाएंगी, और मम्मी सब्जी लेनी है। अभी लेते हम सब्जी यहाँ से। क्या क्या ले सब्जी में मम्मी, बताओ। गोभी तो रखी है, ब्रोकली ले लो। ब्रोकली ले लो, और एक ये ले लो, इनकी कढ़ी बना लेंगे। और ये तो सुनील नुगल में तोड़ लेगी बनी है। हाँ। कढ़ी के लिए तोड़ के लाना, फिर इनकी कढ़ी बनाएंगे। और बताओ, क्या ले? एक किलो ब्रोकली, वैसे भी खा लीजिए, पास्ते में डाल देंगे। तो गाइस, अभी हम ले रहे हैं बर्फा। अरे तुम आए हुए हो ना, हल्दी की सब्जी बना के लाओ। मम्मी टोकरी देना, एक बार तुम वीडियो बनाना। मम्मी क्या नाम है, हल्दी की सब्जी बना के खिलाऊंगी, हल्दी ले लेती हूँ, ठीक है? नहीं। तो गाइस, मैं ले रही हूँ हल्दी, क्योंकि मैं हल्दी की सब्जी बनाऊंगी कच्ची हल्दी। मैं छांट रही हूँ मम्मी, आधा किलो हल्दी बहुत है। गाइस, ये मम्मी ले रही है इधर करेले, और ब्रोकली हमने ले ली है, कच्ची हल्दी भी ले ली है हमने सब्जी के लिए, और टमाटर देखती हूँ उधर से मैं। शकरकंदी भी लेनी है, पर ये तो अच्छी नहीं है, उधर से शकरकंदी। थोड़ा सा साइड हो जाओ अंकल, टोकरी देना। गाइस, ये मम्मी उधर ले रही है टमाटर, छोटी वाली हरी मिर्च नहीं है। तो अंकल, मैं ले रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए शक्करकंदी, क्योंकि शक्करकंदी से वेट लूज होता है, तो मैं अब डेली सुबह सुबह तो वो डाल देना। तो मैंने ले ली है शक्करकंदी। उधर मम्मी और मोहित सब्जी लेके आ रहे हैं, और पूछते हैं मम्मी से क्या लेना है। अभी गाइस, अभी सामान वगैरह लेके हम जा रहे हैं अब घर। मार्केट का काम अपना पूरा हो गया है, सब्जी भी हमने ले ली है, एक दो काम बच गए, तो वो हम फिर कर लेंगे, एक दो दिन में आएंगे मार्केट तब। और अभी तो जाते हैं घर पे ही,
सामान खरीद लिया, लेने कुछ और आए थे, लेके कुछ और जा रहे हैं। तो गाइज मार्केट में यही होता है, एक बार आ जाओ और कपड़े की शॉप पे तो एक बार घुस जाओ, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और एक आधी चीज़ ना लूँ। पर मम्मी ने मुझे दिलाई तो मैंने ले ली है। अब घर चल के देखते हैं क्या बनाना है खाने में, तो भी जाते हैं घर। गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी बैठी हैं उधर, इधर देखो आग लगा के बैठे हुए हैं हम सुबह सुबह। ये मोहित सिंह को देखो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे। ये माँ जी बैठी हुई हैं, इधर फादर है। सुबह सुबह हम सेक रहे हैं आग, ठंड वैसे कम है लेकिन बस जला के बैठ गए टाइम पास के लिए। मोहित का टाइम पास नहीं रहता, देखो बहुत अच्छे काम करे मोहित, वेल डन। तो गाइज मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी की सब्जी। सबसे पहले मैंने कच्ची हल्दी ली है, उसको धो के और उसको मैंने छील लिया है, छिलका ही इधर रखा है। अब मैं कर रही हूँ उसको कद्दूकस से कस, अभी इसको पूरा कद्दूकस से कस लेंगे, उसके बाद में आगे की रेसिपी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइज ये मैं कर रही हूँ देसी घी में फ्राई, क्योंकि ये देसी घी में ही बनानी है, नहीं तो तेल में अगर तुम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी बनेगी। तो इसको सबसे पहले देसी घी में फ्राई करनी है, उसके बाद मैं इसकी तड़के के लिए सामान तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैं लूँगी लहसुन, प्याज, टमाटर और मटर, जो सबसे मेन चीज़ है वो है मटर, और एक कटोरी दही। तो वो आगे की रेसिपी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पहले अभी इसको फ्राई कर देते, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा फ्राई होने में। पहले डालेंगे हम जीरा, और घी में ही हम फ्राई कर रहे हैं इसको, फिर से घी में ही पकाएंगे हम लोग, तेल का यूज नहीं करना है हल्दी की सब्जी में। तो सबसे पहले जीरा पक जाता है, उसके बाद हम लोग डालेंगे प्याज और मटर। तब इसमें डाला है हमने लहसुन, वो भी हम लहसुन को कूट के फिर डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन पक जाता है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। और अब हम टमाटर को अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। तो गाइस अभी हम इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, जिससे टमाटर पक जाएंगे। तो गाइस प्याज टमाटर हमने पका लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। देखो गाइस, अरे मेरी हल्दी ने घी ऐसे छोड़ दिया है बिल्कुल ही, देसी घी है बिल्कुल। अब इसको पकाएंगे।
काले में सिर्फ मैंने नमक डाला है पहले, और अब सिर्फ लाल मिर्च डालूंगी, सूखी हल्दी नहीं डालती इसमें, क्योंकि इसमें हल्दी है और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये घी में पकती है तो घी की वजह से इसमें मिर्च हो नहीं पाती है सब्ज़ी में, तो मैंने तो थोड़ी हरी मिर्च भी डाल ली, तो मैं अब गोल नहीं डाल रही बस। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मसाले को, उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें दही। ये सब्जी, और अब हम इस गैस बंद नहीं करना है, बिल्कुल सीम पे करके, और अब हम इसमें डालेंगे दही कि फट ना जाए, तो थोड़ा घुमाते जाएंगे और एक कटोरी दही हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको घुमाते रहना है, इसको घुमा देते हैं। सबसे बड़ी ये सब्जी गरम गरम ही अच्छी लगेगी, ठंडी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें घी डलता है तो वो जम जाता है, और स्पेशली ये सब्जी भी ठंड में ही बनाई है, गर्मियों में नहीं बनाई है, क्योंकि हल्दी बहुत गर्म होती है। तो अब हम इसको पका लेते हैं, ये हम 5-7 मिनट तक ऐसे घुमाते जाएंगे जिससे दही फटेगा नहीं। हो गई है रेडी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप किया हुआ धनिया, तो अभी मैं डाल देती हूँ ऊपर से, और सब्जी बिल्कुल रेडी। दिखा दो एक बार, लो गाइस सब्जी तैयार है। अभी काम वगैरह मेरा सब हो गया है, काम वगैरह करके मैं फ्री होके खाना वाना बना के और फिर बैठी हूँ, हल्दी की रेसिपी मैंने डाल दी है पूरी। तो गाइस, और ये मोहित सिंह इधर फोन चला रहे हैं, ये मोहित बहुत कम फोन यूज़ करता है, पर कभी कभी ये मैच वगैरह पता नहीं क्या देखता है, पर कभी कभी चलाता है, तब फिर फुर्सत से ही चलाता है। तो गाइज़, अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, आगे फिर और भी मतलब जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं घूमने कहीं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मोहित को थोड़ा सा टाइम ही नहीं है, लेकिन आगे आगे ट्रैवलिंग की वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी और कुछ रेसिपीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।